विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा भगवंत नगर के बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम भाटनखेड़ा में पैदल रेलवे स्टेशन जा रही दुष्कर्म पीड़िता को आरोपियों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसी युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर जिला अधिकारी व एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। इसी वर्ष मार्च में 5 युवकों ने युवती के साथ किया था गैंग रेप। पुलिस अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। जेल से छूटकर आए दुष्कर्मी ने साथी संग मिलकर 20 वर्षीय पीड़िता को पेट्रोल डालकर आग लगाई। बुरी तरह से झुलसी पीड़िता इलाज के लिए उन्नाव जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर की गई। बिहार थाना क्षेत्र का ऐसा मामला गांव के प्रधान के पुत्र ने पूर्व में पीड़िता ने दोनों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। एक आरोपी को बिहार पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। एक कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है। जिला उन्नाव से हमारे संवाददाता विनोद सोनकर की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की घटना है। आज सुबह सूचना मिली कि उन्होंने यूपी हंजा की सूचना मिली है कि उनको जलाने की कोशिश की गई। उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं। उसमें 3 हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और अभी उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफर कर दिया गया है। और हमने टीमें बना दी हैं जो इन्होंने टोटल 5 लोगों के नाम बताए हैं और उसमें 3 हमने पकड़ लिए हैं और 2 को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं और वो उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। क्या ये पीड़िता थी? इन्होंने मार्च में एक मुकदमा लिखाया था और उसमें जो दो एक्यूज थे उनके कार्रवाई की गई थी। उसमें एक एक्यूज था उसका भी उसको भी राउंड अप किया गया।